दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो भी शिक्षक डीएलएड में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो उनको जो है अटेंडेंस भी लगाना पड़ेगा और क्लास भी लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो क्लास और अटेंडेंस जो लगाना है ये आपको जो ऑनलाइन क्लास करना है और आपको अटेंडेंस भी लगाना है। जैसे कि आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे जो आपके पास अटेंडेंस भी लगाते हैं और अपना टाइम भी देते हैं और वो क्लास भी लगाते हैं, तो उसी तरह से आपको जो है यहाँ पर टाइम भी देना है और आपको यहाँ पर पढ़ाई भी करना है और आपको अटेंडेंस भी लगाना है। तो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर अटेंडेंस लगा सकते हैं और जो अपने पढ़ाई को यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि NIOS का जो पढ़ाई है वो बिल्कुल ऑनलाइन मोड होता है और ये जो है लिंकअप है swam.gov.in से, यानी जो स्वयं प्रभा जो चैनल है उससे ये लिंकअप है। तो आप जब वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो उसके बाद जो आप कितने घंटे वहाँ पे लॉगिन थे या फिर जो है किस दिन आप लॉगिन नहीं थे, तो आपका पूरा डाटा जो है वो NIOS को चला जाता है। तो वहाँ से जो NIOS को ये पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है किस दिन जो है कितने घंटे जो है पढ़ाई किए थे या फिर नहीं किए थे। तो इस वीडियो में चलिए आपको बताते हैं कि आप जो किस तरह से जो है वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पर अपना अटेंडेंस या फिर आप वहाँ पर किस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये swam.gov.in जो वेबसाइट खुला हुआ है, तो यही जो है ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और यहाँ से जो है NIOS जो है लिंकअप है। तो जितने भी स्टडी मटेरियल या फिर वीडियो लेक्चर जो है तो यहीं से जो है NIOS को प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे देखें आप ऊपर में यहाँ पे देखिए रजिस्टर करने का देखिए बटन बनाया गया है और आपको जो है swam.gov.in वेबसाइट का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जो है इस वेबसाइट पे आप पहुँच सकते हैं। और जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए इस टाइप का यहाँ विंडो खुला हुआ आ जाएगा और नीचे देखें तो नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अप नाउ। तो आप यहाँ पे देखिए फेसबुक गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की मदद से भी जो है आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आप इससे लॉगिन ना करें, आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करें। साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास देखिए इस टाइप का विंडो खुला हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आप वही भरें जो कि आपने DLED में रजिस्ट्रेशन करने टाइम में भरा था। जैसे कि देखिए ऊपर में आपको यूजर नेम डालना है तो वो आप यहाँ पर डालें, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर पासवर्ड डालना है और फिर वही जो पासवर्ड आपने ऊपर डाला तो वही आपको नीचे यहाँ पर पासवर्ड डालना है और फिर आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस आप जो है सही सही ईमेल एड्रेस डालें जो कि आपने DLED में रजिस्ट्रेशन करने समय डाला था और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेंड वेरिफिकेशन कोड पे, तो आपको जो है आपके ईमेल आईडी पे एक कोड भेजा जाएगा। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे जो है आपको कुछ डिटेल और भी भरना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप जो है स्वयं प्रभा चैनल पे जाके जो वहाँ पे लॉगिन करके आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जितने देर वहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो उसका डाटा जो है NIOS के पास चला जाएगा कि आप कितने घंटे वहाँ पे पढ़ाई किए हैं और किस दिन जो है आपने पढ़ाई नहीं किया है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे जो है पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, डेली जो है जो भी इसका वीडियो लेक्चर आता है उस वीडियो लेक्चर को देखिए और जो यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। वैसे अभी जो है सभी लैंग्वेज में वीडियो लेक्चर उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जितने लैंग्वेज में यहाँ पे वीडियो लेक्चर उपलब्ध है तो आप उसको देखें और पढ़ाई करें, क्योंकि आपका जो है एक अटेंडेंस और कितने देर आपने यहाँ पर पढ़ाई किया या नहीं किया वो सभी जो है आपका डाटा जो है NIOS के पास चला जाता है। तो और कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर यहाँ पर रजिस्टर नहीं करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन के टाइम में जो है आपको फॉर्म भरने के टाइम में आपको प्रॉब्लम हो। जैसा कि मैंने जो है एक फैकल्टी जो कि टीचर है वहाँ पे NIOS में, तो मैंने उससे बात किया तो उनका भी ये कहना था कि यहाँ पे जो है लॉगिन करना स्टूडेंट को बहुत ही ज़रूरी है और उनको यहाँ पे पढ़ाई भी करना जरूरी है, क्योंकि उनका पूरा डाटा जो NIOS के पास जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है किस दिन जो है कितने घंटे जो है पढ़ाई किए थे। तो इसलिए आप यहाँ पे पढ़ाई जो है ज़रूर करें। और स्वयं प्रभा चैनल नंबर 32 जो है जहाँ पे कि इसका वीडियो लेक्चर चलता है वहाँ पे कैसे आप अपने टाइम टेबल को देखना है या फिर कब कौन सा लेक्चर आता है कैसे आपको पता करना है या फिर कौन सा लेक्चर आगे आने वाला है, तो उन सब के बारे में जो है मैंने पिछले वीडियो आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा लेक्चर जो है कब जो है स्वयं प्रभा चैनल नंबर 32 पे चलता है। और आपको हम यहाँ पे बता दें कि NIOS के द्वारा जो है फिर से जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपके कोई फैमिली में या फिर आपका दोस्त या फिर कोई आपका रिलेटिव जो है अभी तक जो है इसमें रजिस्टर नहीं किया है DLED के लिए, तो उनको आप ज़रूर बता दें कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है फिर से स्टार्ट कर दिया गया है NIOS के द्वारा, तो वो DLED के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यही था जो है सबसे बड़ा अपडेट जो NIOS को लेके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जहाँ भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में, ताकि सभी को जो है ये चीज़ पता चल सके, ताकि बाद में जो है किसी को ये दिक्कतें ना आए कि वो जो है फॉर्म ना भर सकें। और आगे अगर कोई भी अपडेट आता है NIOS से DLED को लेके या फिर कोई न्यूज़ आता है NIOS से तो आपको हम यहाँ पे बताते रहते हैं। तो आप हमारे अगले वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे अगले वीडियो के साथ बने रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसको भी क्लिक कर लें, तो उससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।